हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरा ये ब्लॉग जो है वो मेरे पिछले ब्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लोग ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क गए हुए थे। सो ये रिकैप मैंने इसलिए डाला है क्योंकि लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने जो है वाटर राइड एक्सप्लोर की थी, और आज के ब्लॉग में हम लोग ड्राई राइड एक्सप्लोर करेंगे। तो जिन्होंने मेरा लास्ट ब्लॉग मिस किया है वो जाके उसको देख सकते हैं। सो गाइस, हम लोग राइड्स वगैरह नहीं, हम लोग वाटर पार्क होके आ गए हैं। और ये देखो सब भूत बने बैठे हैं, थक गई है ना। आर यू टायर्ड? इज शी टायर्ड? Are you tired? So guys, चलो आपको थोड़ा सा ब्लू वर्ल्ड घुमा देते हैं। तो ये है लंदन ब्रिज, ये देखो ये है लंदन ब्रिज। तो चलो चलते हैं लंदन ब्रिज के अंदर। हाँ, ये है कानपुर का लंदन ब्रिज और ये है मेघना। ओके, व्हाट इज दिस? तुम तुलसी बने हो? अच्छा, इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे, समझे? सो गाइस, अब हम लोग ये जो है यहाँ की ये राइड है, बैठ गए और सब बैठ रहे हैं। ये देखो, आओ चलो गाइस, अब हम लोग भी चलते हैं, सब बैठ रहे हैं। जय भद्रकाली गोलबंग। गाइस, ये स्टार्ट हो गया है। बाय बाय। जिन्होंने ये अंडरग्राउंड टनल बना रखा है और इसमें जो है आप ट्रॉली में बैठ के इसको एक्सप्लोर करते हो। और पर्सनली पूछे तो इसमें जो है आपको डायनासोर लाइफ हो गई, जो अंडर वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सारा कुछ इसमें दिखा रखा है। तो पर्सनली मुझे ये इतना पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत स्लो था, बट हाँ अंदर फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी, ठंडा ठंडा और नीला नीला, बट ओवरऑल ये टॉर्चर था, टॉर्चर। तो ये क्या, ये पंजाब है अंदर? तो गाइस, हम लोग पंजाब में एंटर कर रहे हैं, चलो। अच्छा, तो देखो गुरुद्वारे, ये गोल्डन टेंपल टाइप का कुछ लोग दिया भी हुआ है इन्होंने, सो दैट्स रियली नाइस। हाँ, ये झूले पे ना ले जाने का। अच्छा रुको, इन लोग का हो जाए फिर चलेंगे। तो बेचारे बैठे थे झूला झूलने के लिए और इतने में यहाँ चली गई लाइट। वो बोल नहीं निकल पा रहा है, इतना ज्यादा था है। सो गाइस, अब हम झूलेंगे ये वाला झूला, चलो। सो गाइस, वी आर ऑल सेट। गाइस, ये एक अलग ही लेवल का जहर था लिटरली, मतलब देखो कैसे घुमा रहा है। गाइस, वो वाला झूला हम लोग झूल आए हैं और बड़ा ही, हाँ, इट्स टेरिफिक आल्सो एंड इट्स टेरिबल आल्सो। मतलब लिटरली हम लोग 360 डिग्रीज उलट गए थे, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, और उतनी स्पीड से घुमा रहा था ना, सब कुछ बाहर निकाल के रखे गए थे क्योंकि अगर पलटोगे तो सब कुछ जितना भी रखा होगा सब जमीन पे जाएगा। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं सुहाना सफर में। तो ये यहाँ पे सुहाना सफर। सो ये बोट्स हैं, इन बोट्स में हम जाएंगे वो पानी से अंदर और फिर देखो क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस गर्ल नोज अबाउट ब्लॉगिंग। हेलो, वी आर रेडी फॉर सुहाना सफर। सो गाइज, ये है सुहाना सफर और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। रीजन बीइंग, पहला रीजन कि इसमें जो है हम अंदर बोट में बैठ के जाते हैं और अंदर जैसे हम प्री हिस्टोरिक जो है, जैसे हमारी अर्ली मैंस लाइफ है उसके बारे में जानते हैं, एंशंट अरेबिया के बारे में जानते हैं, हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में जानते हैं, और जो फ्यूचर में हमारा रोबोटिक एरा आने वाला है हम उसके बारे में जानते हैं, हम सारे जो है सीजन्स के बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था सुहाना सफर का। इट वॉज लिटरली अ सुहाना सफर।
गया है शाम का 6:30 और अब हम लोग का आज का जो है पूरा दिन अच्छे से स्पेंड हुआ। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं एंड करते हैं। आर यू एग्जॉस्टेड? शक्ल तो दिखाओ। वो तो उल्टी कर रही है बड़ी वाली, वो आगे चल रही है, वो ब्लॉग में नहीं आएगी आज। उल्टी कर रही, झूठ क्यों बोल रहे? बट यू आर फीलिंग प्यूकिश ना? हाँ चलो 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 चलो। हाँ तो गाइज चलो फिर आज का ब्लॉग अब यहीं समअप करते हैं। तो अगर आज का कंटेंट आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।